हे गाइस बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस यहां पे जैसे कि चैलेंज है एक के बाद एक तीन टू स्टेज है। सो मैंने प्रैक्टिस जो फर्स्ट स्टेज उसको कंप्लीट कर लिया। लास्ट जो मैच है मैं आप लोग के सामने खेल के दिखाऊंगा। गाइस इसमें पहले क्या होता है, आपको 25 टू कार्ड्स मिलता है कोई भी, जैसे मुझे गॉब्लिन बर्बिन हट मिला और फिर 500 तो गोल्ड मिलता है, मिस कॉइन्स अभी बोल सकते हो, और लास्ट में एंड में जो अभी मैं खेल रहा हूँ उसमें 500 जेम्स मिलता है। ठीक है गाइस, इसमें क्या होता है आपका आपको और आपका ओपोनेंट को कोई भी एक रैंडमली डेक दिया जाता है, मीन्स थोड़ा सा सिमिलर होता है दोनों, और मीन्स आप लोग का अपना डेक नहीं होता है, वो लोग पहले से डेक देता है। ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जैसे आइस प्लीट और एरो थ्री मस्कीटियर बहुत अच्छी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सामने से माइनर दे दिया, ओके पीछे से आइस प्लीट, ठीक है ओके गाइस। तो आप देख पा रहे हैं मेरा आइस प्लीट के लिए मेरे माइनर को थोड़ा सा वैल्यू हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है और अच्छा डैमेज हुआ है वो लोग का। तो यहाँ पे वैल्किरी दे देते हैं, सामने से आइस गोलेम और नाइट विच भी दे देते हैं, क्योंकि आइस गोलेम बहुत जल्दी डेड हो जाता है, तो नाइट विच थोड़ा सा उसको काउंटर करेगी तब तक। ठीक है गाइज, आप अगर प्रैक्टिस को अगर कंप्लीट कर दोगे, प्रैक्टिस में एक अच्छी बात है कि अगर आप जितना भी हारोगे आपको कोई नेगेटिव नहीं होगा, जैसे दूसरा टूर्नामेंट्स में होता है कि आपको सिर्फ 3-2 चांस मिलता है, अगर आप 3-2 लूज कर जाएंगे फिर आप जेम्स देके फिर से उसको खरीदना पड़ता है, फिर आप उसको खेल पाओगे। तो इसमें कुछ नहीं है प्रैक्टिस में गाइज, आप जितना हारो अपने जितना जीतो अब जीत, तो एक के बाद एक दूसरा जो लेवल है सेकेंड चैलेंज लेवल वो सेकेंड स्टेज खुल जाएगा, और फर्स्ट में कोई नेगेटिव मार्के नहीं है, ऑटोमेटिकली जीत रहोगे। सेकेंड जो चैलेंज है उसका आपको 3 चांस मिलते हैं, उसमें अगर आप 3-2 लूज करके उसमें आपको फिर 10 जेम्स का खरीदना पड़ता है। ठीक है तो मैं आपको सिर्फ ये मैच और इसके बाद जो सेकंड चैलेंज उसमें फर्स्ट मैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा दिखाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, तो आप लोग को भी देखने में मजा नहीं होगा, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इसलिए मैं सिर्फ यही मैच और इसका जो सेकंड स्टेज का फर्स्ट मैच करके दिखाऊंगा आप लोग को, फिर आप लोग उसका जो सेकंड स्टेज का 6 मैच कंप्लीट करोगे तो आप लोग इजीली थर्ड स्टेज जो एलिट चैलेंज उसको ओपन कर पाओगे और इजीली आप लोग जीत पाओगे। सो यहाँ पे आई थिंक उसका गिव अप उसने कर दिया या फिर उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है, सो मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्पीडबैक कर दिया। सो फर्स्ट मैच हम लोग का बहुत ईजिली विक्ट्री हो गया। चलेगा अब जो सेकंड स्टेज उसमें जाते हैं, पहले हम लोग 5 जो जेम्स मिलते हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे देख सकते हैं मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुका है, सेकंड मैच पे हम लोग चल जाते हैं। फर्स्ट जो वो भी गाइस फ्री एंट्री है, चलिए इसमें गाइस अगर आप 6 जीत जाएगा आपका जो थर्ड वाला है एलिट चैलेंज वो खुल जाएगा, वो आप खेल पाओगे। चलिए गाइस इसमें फर्स्ट मैच हम लोग खेल लेते हैं, सेकेंड स्टेज में फर्स्ट मैच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गॉब्लिन से स्टार्ट करता हूँ, ओके गाइस। उसने पिक्का छोड़ा है, पिक्का के लिए हम लोग के पास इन्फर्नो ड्रैगन है, लेकिन अगर वो सामने कुछ छोड़ेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सका है। सो वो पिक्का के संग अगर वो और कुछ ना छोड़े इसलिए मैंने उधर माइनर दिया है, ताकि थोड़ा सा वो उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और वो उधर डिफेंस दे और इधर मैं इजीली पिक्का को मार पाऊँ। ठीक है तो यहाँ पे स्पेयर गॉब्लिन ई विज को रोकने के लिए बैट्स भी दिया था मैंने, ठीक है यहाँ पे गॉब्लिन देते हैं। ओके गाइस आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में उसका बहुत ही अच्छा डैमेज हुआ है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए जाऊंगा। सामने से माइनर दे देते हैं, अगर थोड़ा सा हम लोग को गॉब्लिन्स को वैल्यू मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। आप देख सकते हैं गाइस, ओके सो पॉइजन दे देते हैं यहाँ पे, आई थिंक वो सब डेड हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, सो मैं पीछे से कैनन कट से ही शुरू करूंगा, थोड़ा सा रुक जाते हैं, मैं पीछे से कैनन कार से शुरू करता हूँ। स्पार्की है गाइस, सो स्पार्की को डिफेंस के लिए हम लोग के पास बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रूप है, जैसे बैट्स गोब्लिन्स बहुत ही अच्छे हैं। बैट्स देते हैं सामने से पॉइजन से बच के, और ठीक है उसका बहुत गाइस स्पार्की का बहुत कम लाइफ है, वो इजीली डेड हो जाता है, फिर भी मैंने जैप दे दिया, ठीक है क्योंकि मैं साइकिलिंग करते रह रहा हूँ। यहाँ पे स्पेयर गोब्लिन्स देते हैं फिर से गलत जगह, ठीक है सामने से माइनर ताकि थोड़ा सा वैल्यू मिले हम लोग को जो स्पेयर गॉब्लिन से वहाँ पे। और यहाँ पे वीज को डिफेंस करने के लिए मैंने कैनन काट दिया, ओके गाइस। तो मैंने अंदाज़ा ठीक ही लगाया था कि वो ज़रूर मेरा जो माइनर उसको डिफेंस देने के गॉब्लिन गैंग देगा, सो मैंने पॉइजन एकदम सही टाइम पे दिया जो कि बहुत काम आया, उसका टावर इजीली हम लोग ने उड़ा दिया। पीछे से गॉब्लिन देते हैं, जैप देते हैं बैट्स में, यहाँ पे बैट्स देते फिर से, ठीक है यहाँ पे स्पीयर गॉब्लिन्स देते हैं कैनन कार्ड पीछे से,
और गाइस बहुत कम समय है, मैं सिर्फ उसको डिफेंस दूंगा, मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर दे रहा हूँ राइट हैंड साइड में ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो उसका माइंड और वो राइट हैंड साइड में भी डिफेंस दे। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को किसी भी तरह से कोई भी मुश्किल उड़ा भी देता है तो राइट हैंड साइड में उसका लाइफ कम होगा, सो हम लोग इजीली उड़ा सो वो 10 सेकंड में कुछ नहीं पाएगा। सो होपफुली ऑल माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, एंड चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।